वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। जैसे कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है ड्राई स्किन एंड डैंड्रफ। ड्राई स्किन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स, एंड ट्रस्ट मी आई नो मेरी भी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। लेकिन अभी जो हमने बातें की हैं, आई एम गोइंग टू गो होम एंड अप्लाई ऑल ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ योर ट्रीटमेंट्स एंड एडवाइस। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि डैंड्रफ की जो लेयर पे लेयर जो बढ़ती जाती है, उससे आपके बाल गिरते जाते हैं। तो मैंने ब्रेक से पहले बिल्कुल यही पूछा था कि कैन लीड टूवर्ड्स बाल्डिंग, तो बाल्डिंग का भी एक ये रीज़न हो सकता है कि डैंड्रफ ही है। अच्छा, एंड बट देर आर अदर रीजंस फॉर। अच्छा, तो एक दफा आपके बाल सारे गिर गए तो उसके बाद ट्रीटमेंट करके दोबारा से आपके बाल ग्रो हो सकते हैं या कैन डैंड्रफ बी द एंड ऑफ योर हेयर? नहीं, फॉलिकल डेड तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, तो ये डैंड्रफ की वजह से आपके परमानेंटली आपका होता है कि मैं आपको एक चीज बड़ी सिंपल सी है फिर भी कि हमारे क्राउन एरिया के अंदर जो है सिंगल फॉलिकल रूट्स होती हैं, ठीक है। एक फॉलिक में एक रूट होता है, मतलब एक बाल होता है, और अराउंड द हेड, आपके यहाँ से अगर क्राउन एरिया, सॉरी टेम्पल से शुरू करके इस टेम्पल तक आएँ, बैक हेड आएँ, नीचे नेप पे जाएँ, तो यहाँ पर अब अल्लाह ताला ने डबल रूट्स फॉलिकल रखी है। अच्छा, मतलब एक रूट के अंदर इसके अंदर दो बाल निकल रहे होते हैं, तो ये थिक होते हैं, ये इतनी जल्दी नहीं गिरते। तो मोस्टली जो बॉल्डनेस आता है वो क्राउन एरिया में आता है। ये अक्सर हम मेन में देखते हैं कि आपसे नहीं, फीमेल्स में भी इस टाइम काफी हो रहा है। फीमेल में आई थिंक थोड़े काफी टाइम के बाद आता है। आई थिंक मेन की जो हेयर फॉल है इट स्टार्ट्स अर्लियर देन वुमेन। मैं आपको एक चीज करता है, अगर फैमिली में है तो उसमें ये कि बहुत जल्दी बहुत कम एज में जो है, मतलब मेल में या बॉयज में जो है आ जाता है। मैंने बल्कि यंग एज के, बहुत 22-24 एज के देखे हैं लड़के जिनमें बॉल्डनेस आ जाती है, क्योंकि उनकी फैमिली में है। हार्मोन एक होते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेसिव आपका है तो उसकी वजह से जो है बॉल्डनेस आ जाती है। और दूसरी बड़ी वजह डैंड्रफ है उसकी, बॉल्डनेस आने की। बॉल्डनेस की, सॉरी मैं आपकी बात जी, बॉल्डनेस की जो एज है गिरने की बालों की, जो फैमिली जैसे इनहेरिटेड होता है, वो 22 साल से लेकर 28 साल तक है। अच्छा, 22 ईयर्स में समझे बाल गिरना शुरू होते हैं उसके, गिरते तो 18 साल से गिरने शुरू हो जाते हैं, बट जो विजिबिलिटी बढ़ती है बालों की वो 22 साल से गिरना ऐसा ऐसा ग्रेजुअली होते हैं, और 28 में आके वो। तो अगर जेनेटिकली अगर आपका ये प्रॉब्लम हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं? लाइक फॉर योर हेयर, उस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं ना। हाउ? उस ट्रीटमेंट्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं। अच्छा, आप उसको केयर करें, आप उसको रोकें, आप शैम्पू अच्छे करें, तो आप प्रोलॉन्ग तो कर सकते हैं, लेकिन रीग्रोथ की बात क्या है आयशा? एक्चुअल होता है ये कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास या कहीं भी सैलून में भी जाता है ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर्स के पास आते हैं उस वक्त जब खासा नुकसान हो चुका होता है। एक्चुअल जब आपको पता है कि आपकी फैमिली में ये मसला है, आपके फादर या भाइयों में या और लोगों के बाल हैं जो बहुत कम एज में गिर गए हैं और बॉल्डनेस आ गई है, तो सूरत में चाहिए जैसे ही आपको लगता है कि जी बालों में प्रॉब्लम आना शुरू हुई है या हेयर फॉलिंग आना शुरू हुई है, उस टाइम से अगर आप इलाज कराना शुरू करते हैं, अच्छे ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये इसको आप डिले कर सकते हैं। राइट, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ही उसी ट्रेंड में फॉल करें। अच्छा, तो बैक टू डैंड्रफ एंड ड्राई स्किन अ लिटिल बिट। तो ये हम थोड़ी सी हमने मेंशन की थी कि डिजीजेस से भी आपकी डैंड्रफ बढ़ती है, तो ऐसी कौन सी डिजीजेस हैं जिससे आपकी डैंड्रफ? बिल्कुल, जिस तरह सोरायसिस है, एस्मा है, इसके अलावा डर्माटाइटिस, एक्जिमा है। इस पर क्योंकि स्टीरॉइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और स्टीरॉइड ये लोग कई कई साल दिए जाते हैं। इसी तरह की और भी किडनी की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें स्टीरॉइड दिए जाते हैं, और जो कि देना बहुत ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं उसमें। तो एक अगर आप लंबे अरसे तक स्टीरॉइड लेते हैं तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, और आप बोल रहे थे कि डायबिटीज़ का भी इसमें जी, डायबिटिक पेशेंट्स को भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, ड्राइनेस का प्रॉब्लम होता है, प्लस हाई ब्लड प्रेशर जिन पेशेंट्स को होता है उनके अच्छा, साथ भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, लेकिन ये क्यों, लाइक आई मीन व्हाई इज इट के डायबिटिक पेशेंट को बिकॉज के आपका डायबिटिक का मसला इतना कि ग्लूकोज अप एंड डाउन आपका डेली होता रहता है बॉडी में, जिसकी वजह से आपके सेबेशियस ग्लैंड्स प्रॉपरली काम नहीं करते, सिबम आपको कंट्रोल नहीं होता उससे, तो वो कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। मेन चीज़ तो ये है, ब्लड प्रेशर के साथ भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एटेनॉल और दूसरी टैबलेट्स उस पर चल रहे होते हैं, तो उनके अंदर वो कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस हैवी होती हैं उनकी, तो इस वजह से भी उनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, है ना, मैंने शो की बिगिनिंग में, आई डोंट नो अगर आपने सुना या नहीं, लेकिन हमने मेंशन किया था कि एक मिथ है कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ ज़्यादा है तो लोग ऑब्वियसली सोचते हैं कि बस ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, शैम्पू नहीं करते बाल कुछ दिनों के लिए, उसमें हमारा जो नेचुरल ऑयल है उससे ठीक हो जाएगा। तो ये मिथ क्यों एग्जिस्टेंट है, और इज़ इट रियली अ मिथ? अच्छा,
मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर ये है मैं तो गलत है, इसलिए कि देखिए बाल जो आपके एक मॉइस्चर जो है निकलता है हर सबके बालों में होते हैं कि कुदरती तेल होता है या मॉइस्चर होता है जो कि आता है जो कि बालों को आपके मॉइस्चराइजिंग देता है, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। ये कहना कि जी आप शैम्पूज़ ना करें, एंटी डेंड्रफ शैम्पूज़ हैं या ऑयलिंग या दूसरे ट्रीटमेंट ना करें, ये गलत है। क्योंकि डेंड्रफ आप ये बताइए किस तरह निकलेगा ना, डेंड्रफ तो आपके डेड टिश्यूज़ हैं या स्क्वैमस सेल्स हैं जिनकी लेयर जमा हो रही है, वो किस तरह निकलेगी? आम शैम्पू से अगर नहीं निकल रही है या जो लोग सोप यूज़ करते हैं या शैम्पू यूज़ करते हैं और उनकी डेंड्रफ बढ़ती जा रही है, तो उस सूरत में तो बहुत ज़रूरी होता है कि पहला स्टेप जो है वो एंटी डेंड्रफ शैम्पू का ही होता है। और ये रेगुलर क्लेनलीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल श्योर, क्लेनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमारे एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि जी बाल जो है बहुत ज़्यादा शैम्पू नहीं करना चाहिए। आप फेस रोज़ाना क्यों वॉश करते हैं, फेस वॉश या साबुन क्यों यूज़ करते हैं? जितनी चेहरे को ज़रूरत है वही डस्ट, डर्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड और 10 तरह की चीज़ें आपकी फ़िज़ा में मौजूद हैं और डेली आपका बाहर भी निकल रहे हैं, तो जितना आपका मतलब चेहरे पे इफेक्ट हो रहा है इतना बालों पे भी हो रहा है। तो ये डेली वॉश करना बिल्कुल, डेली वॉश बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपके बाल नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन वो लोग जिनके बाल बहुत ज़्यादा थिन हो गए, बहुत ख़राब हो गए, फ्रीजी हो गए, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए, वो एक दिन छोड़ के जो है शैम्पू कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं छोड़े ना? आई नो नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, जो ये कहते हैं ना हफ्ते में एक बार शैम्पू करें, नहीं वो बहुत गलत है, गलत है। उससे आपके पोर्स भी क्लोज हो जाते हैं, पोर्स भी क्लोज हो जाते हैं क्योंकि डस्ट डर्ट इतनी जमती है। और फिर जो आप बाहर जब आप निकलते हैं जो गाड़ियों का धुआं होता है उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बिल्कुल क्लॉट कर देते हैं पोर्स को, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम जो है सर में पैदा होती है। तो स्पेशली अगर आपका कोई आउटडोर काम हो तो आप जरूर बिल्कुल अगर डेली आप क्या बोल रहे थे, आई एम रियली सॉरी। मैं ये कह रहा था कि आप शैम्पू करें दिन में दो दफा करें, बट रिंस वेल, रिंस वेल, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि लोग शैम्पू को अंदर छोड़ देते हैं बालों को जल्दी शावर लेने के लिए, तो जब वो शैम्पू अंदर रह जाता है तो उसके अंदर मोस्टली जो आजकल शैम्पूज हैं उसके अंदर सोडियम लॉरेट सल्फेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो विच इज फोमिंग एजेंट, वो झाग बना के लेदर बना के आप लोग कहते हैं कि जी अच्छी तरह जितनी ज्यादा झाग है उतना हाँ, उतना अच्छा हो गया और जल्दी वॉश कर दिया। और डैंड्रफ के लिए अगर शैम्पू आपने यूज करने हैं तो आप प्लीज काइंडली इसको आप किसी कमर्शियल शैम्पू पे ना जाएं, गो फॉर मेडिकेटेड शैम्पू, ठीक है। सिलीनियम सल्फाइड का परसेंटेज देखें उसमें कितना होना चाहिए, आई थिंक 12 इज गुड, 12% या 15% इज गुड। सिलीनियम सल्फाइड जो है वो आपको डैंड्रफ के लिए बहुत हेल्प करता है, डैंड्रफ को खत्म करने के लिए। अच्छा, तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने ये कवर करनी थी शो में कि वेल बैलेंस्ड डाइट कितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी डैंड्रफ कंट्रोल के लिए। हमारी वो स्किन जो उतर जानी चाहिए, पील ऑफ हो जानी चाहिए, वो रह जाती है, पील ऑफ नहीं हो पाती, कैरेटिनाइज नहीं हो पाती, अब वो जमा होती रहती है तो हम उसे डैंड्रफ कहते हैं। अच्छा, तो आपकी डाइट का डैंड्रफ से कोई ताल्लुक? जी कोई ताल्लुक डाइट का नहीं, अगर आप कुछ अच्छा खाएं तो अच्छा हो जाता है। डैंड्रफ का उससे कोई ताल्लुक नहीं, ये चीजें ऑब्वियसली मतलब दूध में आपके पता है कैल्शियम है और आयरन होता है, तो वो बाल आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों की अखरोट में ओमेगा 3 मौजूद है और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, अनफॉर्चुनेटली द टाइम हैज कम फॉर द एंड ऑफ आवर शो, लेकिन मैं आप दोनों से इंडिविजुअली लास्ट मैसेज देना चाहूंगी और हिना आप जरूर कोई हर्बल उसमें रेमेडी डालें जो हमारे ऑडियंस है वो यूज कर सके फॉर द एवरीडे लाइफ। जी आप जैसे अभी विंटर है तो प्लीज़ ट्राई करें कि आप कॉटन ही वेयर करें, ठीक है। डैंड्रफ का जो ये ड्राई स्किन का इशू होता है तो कॉटन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, तो आप पॉलिस्टर से अवॉइड करें, थोड़ा दूर रहें और कॉटन पहने और अपने आप को साफ सुथरा रखें चाहे जैसे भी है, और शावर टाइम कम कर दें। कॉटन तो पहनेंगे लेकिन सर्दी जो लगती है नहीं, कॉटन मतलब आप अंदर इनर जो है आपको वो कॉटन होना चाहिए, इनर लेयर कॉटन, इनर लेयर कॉटन पहनना चाहिए, बेशक आप बाहर जैसे बाहर आप वूलन पहने कुछ भी पहने पॉलिस्टर पहने, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है आज के इसके वेदर के साथ। दूसरा ये कि शॉर्ट टाइम शैम्पू करें, शॉर्ट टाइम शावर लें और ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं। देखो होता है ना लोग बिल्कुल हॉट वाटर चाहिए होता है, स्टीमी हो, ठीक है, वो इस तरह से टाइम है आपको तो मैं थोड़ा सा बता दूँ कि आप रूम टेम्परेचर पे आप उसको पहले शावर ले लें, उसके बाद आप ठंडे पानी को बंद करके गर्म खोल दें, हॉट को खोल दें और पूरा स्टीम होने दें। अच्छा, आपके जब वॉशरूम में स्टीम आ जाएगी पूरी, देन अप्लाई मॉइस्चराइजर,
मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद फिर आप उसको सो करके कपड़े पहने, आराम से इजी होगी शावर में, पूरा दिन आपको कोई डैंड्रफ कहीं इशू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओके, आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट। जी है ना जी, मैं एक डैंड्रफ के लिए, जो बालों में डैंड्रफ हो जाती है और रीग्रोइंग नहीं होती, उसके लिए आप चाहें तो कुछ हर्ब्स बता रही हूँ। एक कैम्फ्रे के नाम से एक हर्ब मिलती है, कैम्फ्रे। ओके ठीक है, कैम्फ्रे रूट्स होती हैं ये। कैम्फ्रे रूट्स ले लें, कैलोमाइन रूट्स ले लें, और इसका जो है एक्सट्रैक्ट बनवा सकते हैं आप। सबसे अच्छा फॉर्म तो ये है कि एक्सट्रैक्ट बना लें। दूसरी सूरत में आप इसे बॉईल करके इसका पानी जो है, मतलब इतना बॉईल करना है कि तकरीबन 1/4 रह जाए, तो उसको अच्छी तरह मैश करके अपने पूरे बालों पे लगा के 15 मिनट्स मास्क लगा के देन वॉश कर लें। और तीसरी सूरत ये है कि बहुत ईजीली अब तो कैम्फ्रे का जो है एसेंशियल ऑयल भी मिल जाता है, जिसे हम अरोमा ऑयल्स कहते हैं। ये इन दोनों के एसेंशियल ऑयल्स ले लें, और अपने किसी भी कैरियर ऑयल लाइक ऑलिव ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, अगर आपने 10 ml कोकोनट ऑयल लिया है तो इसमें जो है आप दोनों के ड्रॉप्स जो है मिला के तकरीबन 6-7 ड्रॉप्स इसमें मिक्स कर दें और वो अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद हॉट टॉवल लें, और हॉट टॉवल करने के बाद फिर शैम्पू कर लें। अच्छा, तो इससे बाल जो है बहुत बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, और यही सेम चीज़ आप अपने आर्म्स और लेग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द ड्राइनेस? मैं अगर नहीं, ड्राइनेस के लिए मैं एक बहुत अच्छी एक चीज़ बता देती हूँ जो कि बहुत ईजिली आप घर में बना सकते हैं। उसके लिए आप तकरीबन 20 ml जो है कोकोनट ऑयल ले लें, 20 ml जो है ग्लिसरीन ले लीजिए, जो नॉर्मल ग्लिसरीन BP मिलती है। और तीसरी चीज़ इसमें आप लें वैक्स, वाइट वैक्स मिल जाए या हनी बी वैक्स मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना कैंडल वैक्स ले सकते हैं, लेकिन वाइट में, कलर्ड ना लें। और इन तीनों चीज़ों को जो है आप डबल बॉयलर में जो है मेल्ट कर लें। जब तीनों चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं तो इसमें तकरीबन आप 1 spoon विटामिन ई का ऑयल, और ऑयल नहीं मिलता है तो कैप्सूल्स आते हैं विटामिन ई के जो बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, तकरीबन 20 कैप्सूल्स का ऑयल इसमें मिक्स कर लें। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये जो है जम जाता है पूरा ना, एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। वो आप अपने हैंड्स पर, फीट्स पर, जिनके जो क्रैक हील होती हैं उस पर आप लगाएं, इवन के जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन हो जाती है विंटर में, वो आप रात को आप लगा सकते हैं एज ए नाइट क्रीम, एंड मॉर्निंग में उसे वॉश कर लें तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। आई रियली होप कि आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा हो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।